नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर। तो बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से सामने आ रही है। मॉनसून सत्र से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर है, संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। लोकसभा में सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू होगी। सबसे पहले नए 4 सांसद शपथ लेंगे और उसके बाद पीएम मोदी परिचय भी कराएंगे। राजीव सातव को सदन में श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, मॉनसून सत्र से जुड़ी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है, संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मार्तंड जुड़ चुके हैं। तो मार्तंड, आपसे जाना चाहेंगे जिस तरह से आज मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? इससे पहले सर्वदलीय बैठक हुई थी, जहाँ पे जो उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, उनके नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक हुई थी। सर्वदलीय दलों के नेता शामिल हुए थे। कल आज की पहला दिन है। पहले दिन की अगर बात करें तो पहले सत्र की शुरुआत जो है 4 नए सांसदों के शपथ ग्रहण से होगी। ये सांसद वाईएसआर कांग्रेस के तिरुपति से जो सांसद मदीला गुरुमूर्ति हैं, बेलगाम से बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद मंगल सुरेश हैं, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के मल्लापुरम से सांसद एमपी समाधनी है और कांग्रेस के कन्याकुमारी से नवनिर्वाचित सांसद विजय कुमार हैं। इन चारों सांसदों के शपथ ग्रहण के साथ ही ये जो है मानसून सत्र की शुरुआत होगी। उसके बाद 40 पूर्व लोकसभा सांसद उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, जिनका बजट सत्र और मानसून सत्र के बीच में निधन हो गया था कोरोना की वजह से, इन लोगों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अभी मंत्रिपरिषद में जो बदलाव किए गए, जो नए कैबिनेट और राज्य मंत्री हैं, उनका परिचय करवाएंगे। बात करें अगर कार्रवाई की, तो मानसून सत्र के पहले दिन जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, वो फैक्ट रेगुलेशन एक्ट में संशोधन के लिए फैक्टरिंग अधिनियम संशोधन विधेयक 2020 पेश करेंगे। ये संशोधन उन संस्थाओं के दायरे को बढ़ाने के लिए जो फैक्टरिंग व्यवसाय में शामिल हो सकते हैं। साथ ही नव निर्वाचित कैबिनेट मंत्री पशुपति कुमार पारस राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान और उद्यमिता और प्रबंधन विधेयक 2021 पेश करेंगे। ये विधेयक खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन में कुछ संसाधनों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करने से संबंधित है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए इस पूरे सत्र की और विपक्ष के रवैये की, तो काफी हंगामेदार सत्र रहने की उम्मीद है। कारण क्या है कि बेरोजगारी और तमाम मुद्दों पे विपक्ष अब मुखर होकर जो है सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ किसान बिल की बात करें तो किसानों ने पहले ही कह दिया था कि जब मानसून सत्र शुरू होगा तो संसद भवन के बाहर जो है इसका विरोध करेंगे। तो काफी हंगामेदार सत्र रहने की उम्मीद है। उसके बाद ये इसका अंदाजा इससे भी लग सकता है कि आने वाले समय में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, तो उससे पहले सरकार को घेरने की पूरी कोशिश जो है की जाएगी। जी बिल्कुल, मार्तंड आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। तो इसी बीच बड़ी खबर, योगी सरकार का मिशन रोजगार आज से शुरू हो रहा है। व्यायाम प्रशिक्षकों को सीएम योगी देंगे नियुक्ति पत्र। आज शाम 4 बजे कार्यक्रम होगा, जहां क्षेत्र युवा कल्याण और व्यायाम प्रशिक्षकों को पत्र दिया जाएगा। तो बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहा, जहां पर योगी सरकार का मिशन रोजगार आज से शुरू होने जा रहा है, साथ ही शाम 4 बजे कार्यक्रम का भी आयोजन होने वाला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े थे मार्तंड। तो मार्तंड, एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से योगी सरकार का आज मिशन रोजगार शुरू होने वाला है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए योगी सरकार लगातार जो है बात करती रही है युवाओं को रोजगार देने की। उसी के तहत जो है आज अगर बात करें तो 508 क्षेत्रीय युवा कल्याण और प्रादेशिक विकास दल अधिकारियों और 26 व्यायाम परीक्षकों को नियुक्ति पत्र स्वयं योगी आदित्यनाथ देंगे। 5 कालिदास मार्ग जो कि सरकारी आवास है मुख्यमंत्री का, वहां पे 4 बजे शाम को कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्यमंत्री खुद जो है इन जो अधिकारी हैं इनको जो है नियुक्ति पत्र देंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से इनका चयन किया गया है। और साथ में अगर बात करें तो जो कार्यक्रम में युवा कल्याण और खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी भी मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव के पहले सरकार जो है पूरी तरीके से अपनी तैयारी कर लेना चाहती है। ये वो मुद्दे हैं, रोजगार, महंगाई, जिनको लेकर विपक्ष के सामने जो है लगातार विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करता रहा है। तो उसी के तहत जो है ये सारा जो है कवायद की जा रही है कि
जो भी संकल्प पत्र था भारतीय जनता पार्टी का 2017 का, उसको पूरा किया जा सके। जो रोजगार की बातें थी उसमें युवाओं को आगे बढ़ाने की बात थी, वो सारी कवायद सरकार की तरफ से की जा रही है, क्योंकि 6 महीने बाद चुनाव है। तो ऐसे में सरकार नहीं चाहती कि कोई भी ऐसा मुद्दा जो है विपक्ष को मिले, जो कि विपक्ष जनता के बीच जाकर सरकार के नीतियों की मुखालफत करे और सरकार की घेराबंदी करे। जी बिल्कुल, मार्टिन जिस तरह से बताया कि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है और ऐसे में लगातार अगर विपक्ष पार्टियों की बात की जाए तो वो भी कहीं ना कहीं बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने में लगी हुई है, और ऐसे में क्या लगता है जिस तरह से आज मिशन रोजगार शुरू होने जा रहा है, कई लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, तो कहाँ तक इसे चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं? जी देखिए, अगर हम बिल्कुल बात कर रहे हैं रोजगार की, तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा आबादी वाला प्रदेश है, और साथ ही अगर युवाओं की बात करें तो करीब 65% यहाँ युवा आबादी है। तो ऐसे में रोजगार एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। पिछले दिनों हमने देखा कि चाहे वो DET हो या शिक्षा विभाग की भर्तियां हो, स्वास्थ्य विभाग की भर्तियां हो, इनको लेकर लगातार छात्र भी आंदोलन करते रहे, और जो जिन्होंने इनमें परीक्षा दी उन्होंने वो जो है नियुक्ति नहीं हो पा रही थी वो आंदोलन करते रहे। साथ ही साथ उनको विपक्ष का साथ मिलता रहा, लगातार विपक्ष सरकार को रोजगार के मुद्दे पे घेरता रहा। तो ऐसे में सरकार के लिए जरूरी था कि वो जो है जल्द से जल्द जो रोजगार को उन्होंने संकल्प पत्र में अपने शामिल किया था, जो मुद्दा रोजगार का, उसको पूरा करे। इसी के तहत आज ये मिशन रोजगार के तहत 508 क्षेत्रीय युवा कल्याण और प्रदेश विकास दल अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके पहले भी हमने देखा था कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने जो भर्तियां थी उनसे संबंधित जो लोग थे उनको नियुक्ति पत्र सौंपा था। तो कहीं ना कहीं ये विधानसभा चुनाव की तैयारी है, और रोजगार हमेशा से, उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमेशा से अहम मुद्दा रहा है, चाहे कोई भी पार्टी हो उनके घोषणा पत्रों में, चाहे कोई भी सरकार हो उनके एजेंडे में। तो कुल मिलाकर योगी सरकार सीधे तौर पे अभी कहना चाहती है कि हमने जो रोजगार का अपने घोषणा पत्र में जो भी संकल्प पत्र में शामिल किया था उसको हम पूरा कर रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मार्तंड आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे, जहां पर आज शाम कार्यक्रम होने वाला है, क्षेत्र युवा कल्याण और व्यायाम प्रशिक्षकों को आज CM योगी नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। इसी बीच बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से सामने आ रही है, जहां 25 जुलाई तक यूपी बोर्ड के नतीजे आएंगे, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परिणाम आने वाला है। आपको बता दें कि सरकार की गाइडलाइन का लगातार पालन किया जा रहा है, माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इसकी तैयारियां पूरी तरह से शुरू कर दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर 25 जुलाई तक यूपी बोर्ड के नतीजे आएंगे, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परिणामों को घोषित किया जा रहा है। आपको बता दें कि सरकार की गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा परिषद की बात की जाए तो पूरी तरह से तैयारियां शुरू हो गई। इस बड़ी खबर संभल से, संभल में बड़ा हादसा हुआ है, ट्रक ने बारातियों से भरी बस में जोरदार टक्कर मार दी और इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। तो संभल से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे, जहां पर भीषण सड़क हादसे की ये खबर सामने आ रही है, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मुबारक जुड़ चुके हैं। तो मुबारक साहब जहां चाहेंगे, क्या कुछ पूरा मामला है? आपको बता दूं, जनपद संभल के थाना बैजू थाना क्षेत्र में जो चंदूसी से बस आ रही थी, बारात से भर हुई थी, और उसमें अचानक उसमें पंचर हो जाता है। पंचर होने के बाद में एक बस पलट जाती है, उसमें 7 लोगों की मौत हो जाती है और 8 लोग घायल हो जाते हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया जाता है, और मौके पर घटना स्थल पर पुलिस पहुंचे, मित्र मौके पर पहुंचे हैं और रेस्क्यू कर रही है पुलिस। जी मुबारक, किस समय अगर इस हादसे की बात की जाए तो किस वक्त ये भीषण सड़क हादसा हुआ है? आपको बता दूं, रात के 1 बजे का घटना बताई जा रही है, और दोनों बसें साइड में जा रही थी और चंदू की तरफ से आ रही थी दोनों बसें, ये हादसा हुआ है। जी अमुबार, जैसा बताया जा रहा है कि कई लोग इसमें गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है, अगर उनकी बात की जाए तो किस तरह की स्थिति है? इसमें CM योगी आदित्यनाथ ने उसमें दुख जताया है और कड़े निर्देश दिए हैं अधिकारियों को, और इसमें मदद की गुहार भी लगाई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुबारक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो संभल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हुई और कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है, बड़वानी के
बड़वानी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर खाई में वाहन गिर गया और उसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। तोरणमाल खाई में एक वाहन अनियंत्रित होकर गिर गया है और इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। वहीं मौके पर पुलिस फोर्स तैनात है, घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती भी कराया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता घनश्याम जुड़ चुके हैं। तो घनश्याम, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले पूरा मामला क्या था। ये मामला महाराष्ट्र का है, जहाँ पर देव दर्शन के लिए तोरणमाल जा रहे थे सिमलेट और करीब गांव के लोग, जो तोरणमाल खाई है जी, अड़की पॉइंट, वहां से वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिरा, वाहन चकनाचूर हो गया है जी। घनश्याम, क्या सरकार की तरफ से किसी तरह की सहायता राशि दी गई है? अभी तक तो कोई सहायता राशि नहीं दी गई है, मामला लेट हुआ है, रात में हुआ है, जिसकी जांच में पुलिस जुटी हुई है अभी कुछ ऐसा। अगर स्थिति की बात की जाए तो किस तरह की स्थिति है, क्योंकि जिस तरह से ये बड़ा हादसा हुआ है और इसमें करीब 15 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, जिनका इलाज भी अस्पताल में जारी है, तो वहां से क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है, किस तरह की स्थिति सामने आई है? वहां से सभी लोगों को अस्पताल में एडमिट कर दिया गया है, मृतक लोगों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, जैसा भी होता है जी उसके बाद ही अपडेट मिल पाएगी। अभी फिलहाल स्थिति तो बहुत नाजुक बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़वानी से बड़ी खबर है, जहां पर तोरणमाल खाई में एक वाहन अनियंत्रित हो गिर गया है और इस बड़े हादसे में करीब 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। फिलहाल सभी घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए प्राइम टीवी।